no. Bilang kunci dari bidang sakti. असुर हार गया। बच्चे राजी को धन्यवाद करने के लिए भागे, लेकिन अंधेरों के मंडल की वजह से गुफा कमजोर हो गई थी। शायद राजी मरने वाली थी, शायद वो हार गई थी। तभी रहस्यवादी आए, उन्होंने राजी का शरीर उठाया और बहा दिया। जैसे राजी बह रही थी उसे दिखाई दिया। उसके भाई के साथ कौन था? वे क्या चाहते थे? वो नाव में जाग गई और उसे दूर एक नगर दिखाई दिया। पहले के महान राजाओं ने उसे बनाया था और इसके लिए अपनी जान दी थी। लेकिन अब वहां के रहने वाले दुष्ट परछाइयों के दास थे अपनी इच्छा के खिलाफ। रक्षकों ने राजी को आशीर्वाद दिया क्योंकि वही इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था? ओह मेरे भाई, तुम बहुत पास थे। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो समय ही बताएगा।
सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में है। द्वार पर एक मानव है। आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। परछाई लंबी है। तुम्हें उन्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। मेरे नाम पर क्या बनाया, एक सुंदर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र, ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे। रंगदा के कलपुर्जों वाले सेवक, संभल कर राजी, उनकी दृष्टि से बचो।
जोर, ये चिल्ला रहा है। क्या उसे चोट लगी है? बिल्कुल, ये उसे दूसरा अवसर देगा, लेकिन ये रास्ता बंद है। देखिए, रक्षक नदियाँ उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुरजो के बारे में क्या पता होगा? ये लड़की बहुत होशियार है, वो रास्ता ढूंढ लेगी। करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए। राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है।
छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है। ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा। राजी के तैयार होने से पहले रंगदा को पता नहीं लगना चाहिए।
हमारे माता पिता क्यों नहीं हैं? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं तारों के बीच।